पूरे 10 साल तक दर्शकों का दिल जीतने के बाद मानिक और नंदिनी की जोड़ी फिर से एक हो गई है। जहां पार्थ संतान और नीति टेलर एक बार फिर से लौट आए हैं कैसी है यारिया के पांचवें सीजन को लेकर, इस बार ये एक OTT चैनल पर दिखेगा। इस शो का ऑफिशियल ट्रेलर तो आ चुका है और इस मौके पर अपने फैंस से रूबरू हुए पार्थ और नीति, जहां पर गिफ्ट दिए गए, फैंस के साथ फोटोज खिंचाए गए और पार्थ और नीति ने एक बार फिर से मानिक और नंदिनी की केमिस्ट्री को अपने पांचवें सीजन के लिए रिक्रिएट किया। इस बार सीरीज थोड़ी बोल्ड है और लव स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी है, लेकिन इस बार भी इन लव बर्ड्स के लिए मुश्किलें काफी हैं। वो लेकिन वही तो इस लव स्टोरी और इस वेब सीरीज की खासियत है, जो टीवी से वेब सीरीज की दुनिया तक पहुंची और पूरे 10 साल में इतने सफर तय किए। तो आइए करते हैं पार्थ और नीति यानी मानिक और नंदिनी से खास मुलाकात। सीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सीजन 5 में शायद मानिक और नंदिनी की जर्नी जो है वो इतने सालों से जो चल रही है, 9 साल से, उसका एक कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। फिर चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चा हो, या चाहे वो करियर हो, या सेलिब्रेशन हो, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देकर वो आगे बढ़ते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, जो आप इतने बरसों से शायद वेट कर रहे हो कि क्या होता है मानिक नंदिनी की जिंदगी में आगे जाकर, वो आपको देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेलर में ही देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारी शादी हो या किसी और की शादी हो। हाँ, तो वो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी शादी हो सकती है, हमारी शादी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, कुछ और ही पार्टी चल रही हो और थीम ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। इतना कहना चाहेंगे कि प्यार जितना मिला है पहले साल से ही, वो आज भी उतना कॉन्स्टेंट रहा है। और हम भले ही हमने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की हो, लेकिन वो जादू चला है लोगों पर, लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है हमने, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो वी आर रियली थैंकफुल एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें वो प्यार और सपोर्ट और साथ हमेशा से मिला है सिंस सीजन 1 एज मानिक एंड नंदिनी। और इसीलिए फैंस की बदौलत ही हम बार बार सीजन 3, 4, 5 लेकर आ रहे हैं। तो काफी एक्साइटेड है, ऐसे काम शोज होते हैं कि फैंस की वजह से वो शो वापस आ रहा है। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। वैसे शो के प्रोमो में दोनों शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं, तो क्या मानिक नंदिनी की होगी शादी? वैसे 10 साल के सफर में नीति तेरी तो शादी कर ली, तो पार्थ भी क्या शादी करेंगे? इस बारे में दोनों ने खुलासे किए और ये भी बताया कि दोनों का रिश्ता इन 10 सालों में कितना बढ़ता। टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स बहुत बदले हैं, बहुत बदले हैं। यारिया के पीछे यारिया हुई है। हाँ, बिग बॉस उधर चल रहा था हमारा। बिग बॉस उधर चल रहा है सीजन 1, 2, 3 के दौरान। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पर्सनल लाइफ में नीति ने तो शादी कर ली एंड शी इज वेरी हैप्पी। अरे तुम हंस क्यों रहे हो, जोक थोड़ी था। बट यस, आई एम ग्लैड दैट शी इज सेटल्ड नाउ एंड आई एम होपिंग माई सेल्फ टू सी ऑल्सो लाइक हर वन डे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, career wise we are very happy and blessed enough to get so much of love from all aspects of the world and humne bhale hi jitna kaam hum kar chuke hain 9 saalon mein apart from yariya hum jo pyar hai jo logo ka admiration hai wo hum wapas kheench laya hai season 5 ke aur humne jab season 1 kiya tha to hum sab actually bacche the, we all were like teenagers, you know, ye show kar rahe the, to of course hum sab evolve hue, sab mature ho gaye hain। एंड पहले बहुत कंपटीशन वाला यू नो स्पिरिट था कि यार तूने ये सीन किया, मैं भी ऐसे करूँगी, बेटर करूँगी, तो बहुत कंपटीशन था। अभी बिकॉज वी हैव ग्रोन, वी हैव इवॉल्व, तो अभी ये है कि सीन को हमें कैसे बेटर करना है, इट्स नॉट कि कैरेक्टर को कैसे बेटर करना है, बट इट्स लाइक टुगेदर वी मेक द सीन मोर ब्यूटीफुल। नीति की शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है, बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है, जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी अपने टैलेंट्स को आजमा रही है रील्स के बदौलत भी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यस, पहले 2 सीजन में वो एक किस्म की ऑकवर्डनेस थी, एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे और एक किस्म के हम यंग थे, इमेच्योर थे, बस अपने आप को प्रूव करना है वो चीज़ थी। लेकिन अभी वी आर एट ईज बिकॉज इस शो में फिलहाल देर इज़ अ यंगर जनरेशन दैट दे लुक अप टू अस और हम कहीं ना कहीं एक फ्लैग बेरर बन गए शो के, तो वी आर सॉर्टेड दैट वे, वी जस्ट हैव टू कम देयर एंड बिल्ड आवर केमिस्ट्री। एंड कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमें बताया गया है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है हम दोनों की, तो केमिस्ट्री अपने आप निकल आती है। सो आई थिंक वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर, दैट इज़ अ सेंस ऑफ इवॉल्वमेंट दैट वी हैड एज ह्यूमन बींग्स
और एक किस्म का एक ईज और कंफर्ट है, जब भी हम सेट पे जाते हैं ऐसा लगता है ये हमारा घर है। खुशी की बात ये है कि वो खुश है। वैसे पार्थ ने खुलासा किया कि बिग बॉस नहीं करना चाहते, फिल्मों में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जानते हैं पार्थ ने बिग बॉस क्यों ठुकराया। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बट मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं पसंद करूँगा जहाँ पर, क्योंकि मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, तो जहाँ पर एंटरटेनमेंट इज समथिंग दैट्स वाई पीपल वॉच बिग बॉस, एंड आई फील दैट आई वोंट बी एंटरटेनिंग इनफ एज अ ह्यूमन बींग, बिकॉज एज पार्ट आई एम अ वेरी रिजर्व एंड शाई पर्सन, तो मैं अपने आप को खोल नहीं पाऊँगा, अपने इमोशंस अपने इमोट नहीं कर पाऊँगा। तो आई डोंट थिंक आई वुड जस्टिफाई फॉर अ शो लाइक दैट। इट्स अ ग्रेट शो, बट फॉर मी टू एक्ट बिहाइंड टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज समथिंग दैट गिव्स मी दैट डिलाइट एंड हैप्पीनेस और खुशियाँ, और वहाँ पर मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहूँगा। सो एज ऑफ नाउ तो नहीं, मुझे हर साल ऑफर आता है, लेकिन मैं ऑडियंस ही बेस्ट हूँ, आई थिंक। मानिकंदनी को दर्शकों का ढेरों प्यार मिला, खासकर युवाओं का। तो जानते हैं कि युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं नीति टेलर और पार्थ संतान, और क्या मैसेज है उनका युवाओं के लिए। टू ऑल द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सोशल मीडिया ने इतना हमको टेक ओवर कर लिया है कि उसके बेस्ड के उसके बदौलत हम अपने आप को जज करते हैं। हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं या कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आज इतने लाइक्स नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसको इतने लाइक्स क्यों मिल रहे हैं। सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, डिप्रेस्ड हो गए, विच इज़ एब्सोल्युटली आई वुड से नॉट राइट, क्योंकि रियल वर्ल्ड इज समथिंग दैट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ। डोंट फॉरगेट दैट देर इज समवन लुकिंग अप टू यू, लविंग यू, एंड स्टडीज इज नॉट समथिंग दैट आई कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्टडीज इज नॉट समथिंग दैट I have taken stress, so I would rather recommend ke it's not the end of the day if you haven't come in the top 90s or 80s. There is always a second attempt, always the third attempt, but don't, since the teenage period is the most vulnerable period, so it's for the parents to guide them, it's for their respective siblings to guide them, because kahin na kahin wo ek gumrah ho jate, bhatak jate apne raaste mein, but aisa zaruri hai ki unko एल्डर्स गाइड करे, पेरेंट्स गाइड करे। सो इट गोज डाउन टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि आप अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन हाउ टू लिव योर लाइफ स्मूथली एंड हैप्पीली, दैट इज व्हाट इज आई फील एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी ओवर हियर। पहले के टाइम में कोई डिप्रेशन वगैरह कोई सैड नहीं होता था, आजकल एंग्जायटी, पैनिक अटैक्स ये सब आ गया, बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है, इट्स लाइक you know you're comparing yourself always किसी के साथ, ये अच्छा कर रहा है, yeah, due to social media and so many other things, you know, it's just I would say pick the right friends. I know कभी कभार hard हो जाता है, कभी कभार आप lonely हो जाते हो, but make sure you have someone to talk to, it's very very important. And you know उस वक्त आपको लगता है कि no one loves you, ये बहुत लगता है हम सबको कि कोई प्यार नहीं करता हमें, I think ये सोचना हमें बंद करना चाहिए, because yes your life matters to a lot of people, maybe वो दिखाए नहीं, बोले नहीं, but please think before you take any step, because it can change someone else's life, so don't do that. काफी कुछ रोल है जो मुझे करने हैं एक्शन हीरो के तौर पर या गैंगस्टर के तौर पर, तो अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करना है, अभी तो बहुत काफी शुरुआत हुई है मेरी फिल्म जर्नी में, तो जस्ट वेटिंग फॉर इट। नीति, आई वुड लाइक टू प्ले अ साइको लवर, लाइक आई वुड लव टू डू दैट, लाइक like a dark shade, like a grey shade. I would love to. मुझे वो करना. You should meet Jennifer for that. I know, that's why. That we guys love you and thank you for making Yaariya so so good, and because successful. Of you all, you know this legacy is now in the fifth season. So thank you, but please देखते रहिए कैसी Yaariya. तो भाई पार्थ संतान और नीति टेलर को कैसी आ रही है कि फिफ्थ सीजन और 10 साल पूरे करने की बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि टीवी से वेब तक पहुंचा ये टीवी शो इसी तरह चलता रहे और फैंस का प्यार पाता रहे। मुंबई से नूपुर मौर्ची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।